गुड आफ्टरनून क्लास थर्ड, ये हमारी हिंदी की क्लास रहेगी और हमारी हिंदी के बुक का नाम क्या है? अविरल। हमने अभी तक कविता पहली पढ़ी है, ठीक है ना? तो हमारी पहली कविता का नाम क्या था? हम हैं सूरज चांद सितारे। तो ये सूरज चांद सितारे कौन है? ये हैं छोटे मोटे छोटे छोटे बच्चे, यानी कि आप जैसे ही कुछ बच्चे हैं जो कि क्या कह रहे हैं कि हम तो सूरज हैं, हम ही चांद हैं और हम ही सितारे हैं। और हमने कविता में क्या पढ़ा था कि ना तो बच्चों के बीच कोई रंग का भेद होता है, ना ही आसमान का कोई भेद होता है। सभी के लिए आसमान भी एक जैसा होता है और जो सांस वो लेते हैं सभी एक जैसी सांस लेते हैं, है ना? तो अभी तक हमने इसके मौखिक प्रश्न कर लिए थे, उसके बाद हमने इसके लिखित प्रश्न भी कर लिए कल की वीडियो में। आज हम आगे चलते हैं तो पर्यायवाची शब्द। अब पर्यायवाची शब्द का क्या मतलब है? पर्याय का मतलब होता है समान अर्थ, कुछ ऐसे शब्द जिनकी जगह हम कुछ और भी बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द लिखे हैं सूरज चांद पर्वत आसमान, तो सूरज की जगह मैं और क्या बोल सकती हूँ? तो सूरज को मैं सूर्य भी बोलती हूँ, बोलते ना सूर्य देवता। तो एक पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सूर्य हो गया। सूर्य के सूर्य का मतलब भी सूरज ही है और दोनों समान अर्थी शब्द हैं, इसीलिए हम इन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब हमें इसका एक पर्यायवाची शब्द और लिखना है, तो सूरज को और क्या बोलते हैं हम? रवि बोलते हैं। तो हमने लिखा रवि, इसमें आई छोटी की मात्रा, ठीक है? तो सूरज और सूर्य और रवि तीनों एक ही बराबर है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सूरज कितना अच्छा है। सूरज क्या करता है? सूर्य हमें रोशनी देता है, दिन का अनुमान बताता है कि अब दिन हो गया। देखो रात को तो हम काम करते नहीं हैं, सारे काम तो हमारे दिन में ही होते हैं ना, तो वो किसकी वजह से होते हैं? सूरज की वजह। सोचो अगर एक दिन सूरज ना निकले तो क्या होगा? पूरा दिन रात होगी, क्या हमारे काम हो पाएंगे? हमें रोशनी नहीं मिलेगी तो कितना मुश्किल हो जाएगा ना। तो प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं सभी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। दूसरा शब्द है चांद। चांद को हम चंदा मामा भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? चांद को हम इंदु भी बोलते हैं। तो हमने एक शब्द लिखा इंदु, तो ये क्या हुआ? चांद का पर्यायवाची शब्द। और हम चांद को क्या बोल सकते हैं? तो चांद को हम क्या बोल सकते हैं? राकेश। तो दूसरा पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे इसका राकेश। तो ये हुआ हमारा चांद का पर्यायवाची शब्द। यहां हमने क्या बना दिए? सितारे बना दिए, साथ में एक चांद भी बना देते हैं। तो रात को चमकता है और हमें क्या देता है? रात में रोशनी। जिस समय सूर्य नहीं होता उस समय हमारी मदद कौन करता है रोशनी देने में? चांद मदद करता है। चांद को हम और क्या बोलते हैं? इंदु बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? राकेश बोलते हैं। उसके अलावा एक और शब्द है पर्वत। पर्वत, ये देखो पर्वत ऐसे देखते हैं ना, जब हम हिल स्टेशन पे घूमने जाते हैं तो हमें क्या दिखाई देते हैं? पर्वत दिखाई देते हैं बड़े बड़े। पर्वत को और हम क्या बोलते हैं? पहाड़ बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पहाड़। तो पर्वत को हमने और क्या बोला? पहाड़। उसके अलावा पर्वत कैसे होते हैं? कठोर, एकदम शैल जैसे। तो इसीलिए पर्वत का एक पर्यायवाची शब्द हो गया पहाड़, दूसरा क्या हो जाएगा? शैल। तो हमने लिखा शैल, ठीक है? तो ये हुआ हमारा पर्वत का पर्यायवाची शब्द पहाड़ और दूसरा क्या हो गया? शैल। उसके अलावा एक और शब्द है आसमान। तो आसमान के पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? आसमान को हम नभ बोलते हैं। पूरा खुला आसमान हमारे छत के ऊपर क्या होता है? जितना भी हमें नीला दिखाई देता है पोर्शन ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो क्या होता है? आसमान। और उसको हम बोलते हैं नभ, ठीक है? तो ये हुआ नभ। आसमान को नभ बोलने के साथ साथ एक और चीज बोलते हैं, वो क्या है? वो है गगन। तो एक पर्यायवाची शब्द हो गया ग, ग, न। क्या बना?
गगन। तो हमने चार शब्द सीखे हैं, चार शब्दों के पर्यायवाची शब्द सीखे हैं, तो टोटल कितने हो गए? टोटल हमने 12 शब्द सीख लिए थे अभी। कैसे? सबसे पहले हमने देखा सूरज, सूरज को हम क्या बोलते हैं? सूर्य और रवि। उसके बाद हमने सीखा चांद, चांद को हम बोलते हैं इंदु और उसके साथ हम बोलते हैं राकेश। उसके बाद हमने सीखा पर्वत, पर्वत को हमने क्या बोला? पहाड़। और उसके अलावा हमने बोला शायद, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा आसमान, आसमान को हम क्या बोलते हैं? नभ, नभ को और हम बोलते हैं गगन। तो अपनी सॉरी नभ हमने यहाँ पर सीख लिया, नभ गगन आसमान। अब हमें क्या करना है? हमारी हिंदी की नोटबुक में डेट और टाइम डालेंगे और ऐसे ही हिंदी उसके नीचे लिखेंगे पार्ट ए, इधर हमारी डलेगी डेट और टाइम, दोनों चीज डालेंगे। जो बच्चे टाइम नहीं डालते वो याद रहे, टाइम डालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हमें उससे ये पता चलेगा कि आप सही समय पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जिस समय काम करेंगे उसी समय का टाइम हम कॉपी में डालेंगे, ठीक है। तो डेट और टाइम डलेगी यहाँ पे, उसके बाद हिंदी, उसके बाद पार्ट ए, और पार्ट ए का नाम हम है सूरज चांद सितारे, ये डालेंगे। फिर हम क्या डालेंगे? पर्यायवाची शब्द, और इस तरीके से लिखेंगे सूरज और यहाँ पे एरो डाल के दो दो शब्द लिखेंगे, ठीक है। चांद, फिर एरो डालेंगे इंदु और राकेश लिखेंगे, फिर पर्वत लिखेंगे, एरो डालेंगे पहाड़ और शैल लिखेंगे, उसके बाद आसमान लिखेंगे, एरो डालेंगे नाम और गगन लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, अच्छे से काम करेंगे, साथ में लर्निंग वर्क भी रहेगा, इसी को हमें लिखना भी है और याद भी करना है। काम सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, ठीक है ना। जो सुंदर काम करेगा उसे हम देंगे सूरज, यानी कि वो तो हमारा सूरज है। मम्मी बोलते हैं ना प्यार से, तू तो मेरा सूरज है। कुछ हो के मम्मी, कुछ बच्चों की मम्मी बोलते होंगी तू तो मेरा चांद है। तो अब देखेंगे कौन बच्चा चांद है, कौन बच्चा सूरज है। उसके अलावा ये भी देखेंगे कौन बच्चा पहाड़ है। पहाड़ जिसको मिलेंगे वो समझ जाए, वो अच्छे से पढ़ लेंगे ना, उसे और काम करने की जरूरत है, ठीक है ना। यानी कि वो एकदम अड़ियल बच्चा है। तो मैं तो जानती हूँ कि मेरी क्लास का कोई भी बच्चा अड़ियल नहीं है, जिद्दी नहीं है, पहाड़ जैसा तो नहीं है। कोई सूरज बनेगा और कोई चांद बनेगा। तो